students, in last videos we have seen how to find out equivalent fraction. Today we are going to learn one more step further, and that is we are going to arrange these fractions in ascending order. We are already familiar with ascending order. Since first standard we are arranging numbers in ascending order, but this time you are going to arrange fraction in ascending order. ठीक है, हमने numbers को तो बहुत बार ascending order में arrange किया है, क्योंकि ये chapter अपना parts मतलब fractions है, तो यहाँ पे हम fractions को ascending order में लगाएंगे. और ascending order किसको बोलते हैं आपको पता है ना, जहाँ small first आता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे अरेंज करते करते जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर. चलो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. ये जो सम है ए 2/7, 5/7, 9/7, 3/7, 1/7, जिसमें सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम, इस तरह का सम हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में किया था. तो ये हमारा रीजन है, जब भी डिनोमिनेटर सेम आता है तो बहुत ही ईजी होता है, फिर हमें सिर्फ न्यूमरेटर ही देखना है और न्यूमरेटर को उसकी वैल्यू के हिसाब से अरेंज करना है. देखिए कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम देखेंगे न्यूमरेटर की नंबर, और जो सबसे स्मॉल है उसे हम पहले देखेंगे. स्मॉल क्या है, 1/7 हम यहाँ स्टार्ट करके पहले देखेंगे. 1 के बाद कौन सा है नंबर, 2, तो 2 को कट करके हम रखेंगे सेकंड प्लेस पर. 2 के बाद आएगा 3, तो ये फ्रैक्शन कट करके यहाँ रखेंगे. 3 के बाद आएगा 5, 5 को कट करके यहाँ, तो बचा क्या लास्ट में 9/7 हो जाएगा लास्ट. तो ये है अपना एसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल फर्स्ट बिग लास्ट, जिसमें डिनोमिनेटर सेम आता है तो फिर न्यूमरेटर के नंबर को देख के उसको हम अरेंज करते हैं. ये हमने फोर्थ में किया है, ये बहुत ईजी है. फिफ्थ में हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे. ठीक है, क्या नया सीखेंगे, फोर्थ में सीखे थे तभी भी मैं बोल रही थी कि नेक्स्ट ईयर हम ऐसे फ्रैक्शंस आएंगे जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहते हैं तो कैसे अरेंज करेंगे, ये हमें फिफ्थ स्टैंडर्ड में सीखना है. क्या करेंगे देख लो, देख लो सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू के हिसाब से फिर हम उसको अरेंज करेंगे. इसकी दो मेथड है, एक है एलसीएम फाइंड आउट करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करके अरेंज करो, और दूसरी मेथड है डिवाइड डिविजन करो. अब हमने एलसीएम तो अभी तक सीखा नहीं है, वो चैप्टर हमारा पीछे आया है, तो हम एलसीएम के मेथड से नहीं करेंगे, हम डिवीजन के मेथड से करेंगे, क्योंकि डिवीजन हमें थर्ड फोर्थ में भी सीखा हुआ है तो हमें पता है कि डिवीजन क्या है. तो यहाँ पे मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप डिवीजन मेथड से करिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो आता है. ठीक है, चलिए देखिए डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे वो ज़रा आप बोर्ड पर देख लीजिए. 3/5 अपना पहला फ्रैक्शन है, 3/5, इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 का मतलब है ये जो 3 न्यूमरेटर में है वो अंदर जाएगा, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये जो 5 नीचे है इसको हम लिखेंगे बाहर, और ये है अपना डिवाइजर, डिवाइजर डिविडेंड इस तरह से लगाएंगे. अब देख लो 3 है वो तो ऑलरेडी 5 से कम है, ऐसे डिविजन हमने अभी तक किए नहीं. 5 से 3 नंबर स्मॉल है तो क्या करेंगे वो देखो, जब भी ऊपर का नंबर स्मॉल रहता है तो आप लगाएंगे 0,
0.6, मगर आगे दो डिजिट में हमें आंसर फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया तो आगे रिविजन जाएगा नहीं। तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाए और अपना आंसर सिर्फ वन ही नंबर में आया हो तो सिक्स के पीछे हम जीरो लगा सकते हैं इस तरह से। तो इसका वैल्यू हो गया 3/5 मतलब 0.60। और एक कार्टून देखो, इसमें 4/7 है तो 4 अपना जाएगा डिविडेंड अंदर, डिवाइजर 7 बाहर। अब देखो 4 तो 7 से स्मॉल है और दूसरा कोई नंबर है ही नहीं, तो 0 लगाओ, पॉइंट करो 4 को 0। अब ये बन गया 4। जीरो देने के लिए पॉइंट लगाना पड़ता है और यह आगे से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 7 के टेबल में 40, 7 5 35, 7 6 42। देखो ये आपको क्या है, 7 5 35, 7 6 42। हम वही नंबर सिलेक्ट करेंगे जो 40 से थोड़ा ही स्मॉल है और वो नंबर है 35। 42 बड़ा हो जाएगा, बड़ा हमें नहीं लेना है, 40 से थोड़ा ही स्मॉल नंबर आएगा टेबल में। 7 5 35 हम लेंगे 5 और 35 लिखेंगे यहाँ में, करेंगे माइनस। बोरोइंग करके भी आप माइनस कर सकते हो, 10 - 5 5 3 - 3 0। यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ गया तो खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 5 और हमें वैल्यू सेव एक ही नंबर में मिली है, तो हमें दो नंबर तो चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 0 दिया था, एक बार पॉइंट लगाने के बाद आप पीछे 0 लगा सकते हैं, अभी वापस पॉइंट नहीं लगाना है, एक ही बार पॉइंट लगता है, आगे डिवीजन करना है तो उसको एक पॉइंट या 0 वापस दे। अब 7 के टेबल में 50, 7 7 जा 49, आगे अपना आंसर कितने नंबर में, और 50 में से 49 कट करेंगे तो क्या आएगा, 0 1। बस दो नंबर्स आगे मिले, आंसर में दो नंबर मिल गए, बस पॉइंट। अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो 4/7 की वैल्यू है 0.56। उसी तरह से थर्ड 2/5, 2 डिवीजन इन साइड, 5 डिवाइजर आउटसाइड। चलो करो डिवीजन, 5 डिवीजन 2 तो आएगा नहीं, स्मॉल है तो लगा दो सबसे पहले 0 और टेबल 1, फिर उसको मिलता है 0। अब ये हो गया 20, 5 के टेबल में 20 आएगा, यस 5 4 9। देखो रिमाइंडर में 0 आ गया और अपना आंसर सिर्फ एक ही नंबर में है, तो हम क्या लिखेंगे, 0.4 लगा के उसके पीछे इसे बढ़ा देंगे, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 0.4। चलो नेक्स्ट 3/10, तो आपको पता चल गया 3 डिविडेंड 10 आउटसाइड। 3 तो स्मॉल है 10 से और एक ही नंबर है, दूसरा कोई नंबर लगा ही नहीं, तो 3 स्मॉल है तो 0 लगा के 1 और उसको 2 0। 10 के टेबल में 30 आता है, यस 10 3 जा 30। देखो 0 आ गया रिमाइंडर, अभी आगे डिविजन नहीं हो सकता है, तो इसको हम लगा देंगे आंसर के पीछे। अभी देखो ये है वैल्यू, देखो
0.60, 0.57, 0.40, 0.30, 0.66. हमने सब वैल्यू दो दो फिगर में लिया। अब देखो सबसे छोटा क्या है, 0.30। तो हमने सबसे पहले 0.30 के बाद आएगा 0.40 और इसके नीचे सब फ्रैक्शन लिखे। मगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।